कैसे हो आप लोग भाइयों। ये अबू धाबी है, अबू धाबी सिटी, अबू धाबी का ये मुसफ़ा एरिया है, एरिया का नाम मुसफ़ा है। हम आप लोग को दिखा रहे हैं यहाँ की सिटी, यहाँ की गाड़ियाँ, यहाँ की रोड, यहाँ की चीज़ें। आपको तो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। देखे भाई, ये जेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ की गाड़ियाँ कितना नियम सिस्टम से चलती हैं, फॉलो करती हैं। हाँ देखिए भाई, हम क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं। ये अबू धाबी का मेन सिटी नहीं भाई, ये लोकल है, ये रेसिडेंटियल एरिया है। एरिया का नाम मुसफ़ा है, 40 नंबर आई कार्ड रेसिडेंटियल सिटी। ये अबू धाबी का लोकल एरिया है। देखिए भाई यहाँ का रोड देखिए, ये इसे राउंडा बोर्ड कहते हैं। देखिए भाई यहाँ की सफाई कितनी अच्छी होती है। भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। देखिए भाई ये रेसिडेंटियल एरिया, MIDC, फैक्ट्रियाँ, ये सब बहुत ज़्यादा लोकल एरिया है अबू धाबी का। जैसे अपने वहाँ होता नहीं है, मेन सिटी होता है और वो लोकल एरिया से विलेज टाइप का, वैसा टाइप का है। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ का सब सिस्टम, रोड देखिए कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत सिटी है अबू धाबी। देखिए भाई गाड़ियाँ जा रही, डबल लाइन है, मेन रोड है। ये देखिए भाई मेन सिटी, यहाँ के गाड़ियों पर चलने का नियम। यहाँ की सफाई कितनी अच्छी होती है, आप यहाँ रोड पे बैठ के खाना खा सकते हैं, इतना सफाई होता है। ये बस लाइन है भाई, यहाँ पे बस आके रुकती है। ये देखिए आप, ये बस लाइन है, यहाँ की जो बस है उसके लिए यहाँ है, यहाँ बस स्टाफ है, बस रुकती है ये लाइन में। ये देखिए आई कार्ड है, ये इसका नाम आई कार्ड है, ये रेसिडेंटल एरिया है पूरा। यहाँ पे सब बड़ी बड़ी कंपनियों के और लेबर ये सब रहते हैं रेंट पे।
रेसिडेंटल एरिया बोलते हैं इसलिए इसको। भाई का रेसिडेंटल एरिया है, इसके अंदर हम आ गए हैं। देखिए भाई यहाँ का माहौल कैसा है, ये देखिए खूबसूरत गार्डन। ये रेसिडेंटल एरिया है, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के लेबर ये लोग रहते हैं। देखिए भाई कितना खूबसूरत सिटी है। ये देखिए भाई इन बिल्डिंगों में यहाँ की बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं उनके लेबर लोग, अपना काम वर्कर लोग रहते हैं इसमें। ये सब रेंटल एरिया है। देखिए ये खजूर का पेड़ है भाई, देखिए ये देखिए खजूर का पेड़। अभी देखो इसमें फल आ गया है, 2-3 महीने में पकने लगेंगे। देखिए बहुत कड़ी धूप है भाइयों, यहाँ की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अभी तो नॉर्मल में है, अभी नॉर्मल टेम्परेचर में 40 डिग्री 50 डिग्री ऐसे यहाँ का टेम्परेचर होता है। ये दोपहर का टाइम, ये देखिए भाई देखिए गार्डन आईकार रेसिडेंटियल। देखिए कितना खूबसूरत, कितना सफाई है। ये देखिए खजूर का दरख्त, ये देखिए फल आ गया है इसमें, ये 2-3 महीने में पक जाएगा पूरा। देखिए भाई रोड, यहाँ के अंदर का रोड, ये नॉर्मल रोड है, इसके अंदर का ये पूरा रेसिडेंटल एरिया, बहुत बड़ा एरिया है। ये देखो भाई बहुत बड़ा एरिया, ये पूरा लेबर लोग रहते हैं इसमें, वर्कर बड़ी बड़ी कंपनियों के पूरा वर्कर इसमें रहते हैं। यहाँ की खासियत ये है भाई, बाहर के लोग कोई भी एंट्री नहीं ले सकता, अंदर नहीं जा सकता, जो कंपनी का आदमी है वही रह सकता है इसमें। इसके अंदर जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, वो भी बाहरी आके मिले आदमी, अंदर नहीं जा सकता। अंदर वही जा सकता है जो कंपनी में है, जो आप करता है बस उसी के लिए अलाउ है। ये देखिए ये सामने जो दिख रहा है टावर के, ये मस्जिद है।
देखिए भाई, ये उधर भी कम सफा एरिया है, ये इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादातर लोग आते हैं यहीं पर। यहाँ पर ज़्यादातर कैंप है, लेबर कैंप कंपनियों का कैंप रहता है, इंडिया पाकिस्तान से ओवर कर इसी एरिया में ज़्यादातर पूरा रेसिडेंटल एरिया है सफा 40 नंबर उधर भी। ये देखिए भाई यहाँ ज़्यादा लेबर कैंप, पूरा कैंप एरिया अबू धाबी का नॉर्मल सिटी है। देखिए यहाँ की रोड, ये जो बीच में दिख रहा है ये राउंडा बोर्ड सिग्नल नहीं है, सिग्नल की तरह नहीं है, राउंड अप इसलिए सिग्नल नहीं है। ये देखिए भाई पूरा लाल एरिया, मुसफ्फा 40 यहाँ पे सब लेबर का लोग रहते हैं, जितनी भी कंपनियां हैं बड़ी हों छोटी कंपनियां हों ज़्यादातर अपने वर्करों के यहीं पर रहते हैं। ये पूरा रेसिडेंटल सिटी है, पूरा इसमें वर्कर लोग रहता है, कंपनियों के बड़े बड़े कंपनियों के पूरा वर्कर इसमें रहता है। ये पूरा एरिया लेबर कैंप मुसफ़ा 40 नंबर से जाना जाता है, अब मुसफ़ा 40 नंबर। ये मॉल है यहाँ का, ये मेन रोड है। ये देखिए भाई ये मेन रोड कितना खूबसूरत, रोड कितना खूबसूरत, यहाँ गाड़ियाँ 100-120 ऐसे स्पीड में चलती हैं। ये होटल है, बकाला है जो अपने वहाँ दुकान बोलते हैं ना, यहाँ बकाला बोलते हैं अरबी में दुकान को। ये देखिए भाई ये मेन रोड, ये मुसफ़ा 40 नंबर है भाई। पूरा लेबर कैंप है ज़्यादातर लेबर कैंप, गाड़ियाँ देखे कितनी गाड़ियाँ, यहाँ आदमियों से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। ये अंदर का रोड सर्विस,
नेक्स्ट टाइम अगला वीडियो लेके आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए।